नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। वक्त हो चला है टॉप 10 खबरों का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। कल मुख्य सचिवालय में समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर खेत को पानी मामले में पूरी जानकारी मांगी गई है। चार विभागों की ओर से इसका काम किया जा रहा है। हर खेत को पानी पहुंचाने का काम हर गांव टोला के स्तर पर होगा। सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सर्वे किया जाएगा। शराबबंदी की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जानकारी ली है। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे पहले हम शुरू में ही कर देते थे, इतनी देर कहां होती थी। हमने पहले ही बता दिया था, जब तक सहयोगियों की राय नहीं आएगी तब तक कैबिनेट का विस्तार कैसे होगा। तय कर दिया है कि कम से कम सप्ताह में एक दिन हम जरूर आएंगे, तो आज यही का दिन रखा हुआ था हमने। यहाँ पर कई काम किए, कोई एक काम नहीं है। और खास करके जो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो घोषित किया है और जिसको कैबिनेट ने स्वीकृत किया है, 7-2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य, तो इसके लिए भी हमने इसका पूरा का पूरा हर जगह का सर्वेक्षण करना, कहाँ किस प्रकार से सिंचाई उपलब्ध कराया जाएगा, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी इकट्ठा करना, तो उसके लिए जो कुछ भी विभिन्न विभागों का, चार विभागों में ये काम हुआ है, तो उन लोगों की तरफ से जो बतलाया गया उसकी भी पूरी समीक्षा की है। और उसमें बहुत कुछ हमने सुझाव भी दे दिया है कि भाई इसके लिए कोई सिर्फ पंचायत के स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर गाँव और टोला के स्तर पर हम लोगों को एक एक चीज़ का सर्वे कर लेना चाहिए। उसमें हम जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ किस तरह से सिंचाई उपलब्ध कराएंगे, तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और बाकी एक आज भी हमने मीटिंग रखा था कि जो हम लोगों ने लागू किया है शराबबंदी, तो उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, तो उसके बारे में। और बाकी सब कई तरह के जितने फाइल है जो कुछ भी है सब ने लिया है और भी सब बातचीत करते रहे। सर, बीजेपी नेताओं से सर कल मुलाकात हुई है, क्या कैबिनेट की पूरी तस्वीर साफ हो गई? सहज बात है, उसमें कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल जिसको कहिए कि यूं ही बातचीत गप सप, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। सर, कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को फिर एक बार बिहार बुलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और कल भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। हमने आज अखबार में देखा छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके कैबिनेट को लगे इतना कभी कहां देर होता था। पहले से जब भी हम लोग करते रहे, हम शुरू में ही कर देते हैं अधिकांशतः, लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो, अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है। नहीं, कल जो बातचीत इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं। सहज और सामान्य बात, जो सब कुछ किया जा रहा है बिहार के बारे में, जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोग का लक्ष्य है, इन सब चीजों पर बातचीत हो रही है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू बीजेपी नेताओं के बीच मंथन जारी है। बिहार बीजेपी प्रभारी गुरुवार को पटना पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर वे सीधे दिल्ली निकल गए। बताया जाता है कि अभी भी कई बिंदुओं पर दोनों दलों के बीच जीच कायम है। बीजेपी जेडीयू नेताओं के बीच बातचीत के बेनतीजा रहने की खबर के बाद राजद ने फिर से बड़ा हमला बोला है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में 50-50 की भागीदारी हो। वे अपने पसंदीदा लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि भाजपा के लोगों को इस पर एतराज है। सरकार मंत्री बनाने में व्यस्त है, ऐसे में बिहार का नुकसान हो रहा है। और इधर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के जीत के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन इस बीच राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं लंबे अंतराल के बाद तेजस्वी यादव वापस बिहार लौट आए हैं। बिहार आते ही तेजस्वी यादव ने सरकार बचाने और सरकार गिराने को लेकर चल रही अटकलों के बीच आरजेडी का स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के बीच दबाव का खेल चल रहा है, नतीजा जल्द ही सामने आने वाला है। एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बुरी तरह बिगड़ चुकी है। हर दिन बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं। सरकार का कंट्रोल अपराध से खत्म हो चुका है। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साल में पहली बार बिहार पहुंचते ही एनडीए पर जमकर सियासी हमला बोला है।
उन्होंने शुक्रवार को नीतीश कुमार की चल रही सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी। मध्यावधि चुनाव के लिए महागठबंधन पहले से ही तैयार है। नए साल में आरजेडी नेता शुक्रवार को पहली बार पटना पहुंचे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए की वर्तमान सरकार गिरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने जदयू को सीधे चौथे नंबर की पार्टी बना दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे तीसरी नंबर का पार्टी बनाया है। और इधर 6 माह में सरकार गिरने के दावे से अब जदयू विधायक गोपाल मंडल अब पलट गए हैं। उन्होंने अब अपनी सफाई में कहा है कि कोई हमारी बात को क्लिक कर लिया और तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि राजद के लोगों की सोच है कि 6 माह में नीतीश सरकार हट जाएगी और तेजस्वी यादव आएंगे। ऐसे कम उम्र के बच्चे को बिहार का राजा कैसे बनाया जा सकता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई हिला नहीं सकता। हम लोग सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं और जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे उनसे जुड़े ही रहेंगे। राजद और कांग्रेस के विधायक टूटने के लिए तैयार हैं। जदयू के विधायक कभी नहीं टूटेंगे। उजड़े बिहार को सजाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ये सरकार 5 साल चलेगी, किसी तरह के कितु परंतु की कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री, ये हम बोले थे कि भाई जब बढ़त चल रहा था आरजेडी का, उस टाइम में सारे आरजेडी समर्थक राइफल बंदूक पुराना नया चोर का बैरल साफ करके निकल, हम फायरिंग करेंगे फायरिंग, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री का बढ़त हो गया और इनकी सरकार बन गई। तो अभी भी उन लोगों का सोच है कि 6 महीने के बाद ये हट जाएंगे, तेजस्वी आ जाएंगे। कोई ऐसा बात नहीं, कभी आने वाले नहीं हैं। और वैसे कम उम्र बच्चे को बिहार का राजा कैसे बना सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है, ऐसा बयान है। और हमारे स्वजाति को, अति पिछड़ा को, 2 आदमी को मार दिया और लाठी डांग चला ही रहा है और मुख्यमंत्री को हिला नहीं सकता। उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सब जातियों को जोड़ के चलते हैं, सब वर्गों को लेके चलते हैं। उसी स्टाइल में मैं भी सबको लेके चलता हूँ। सभी वर्गों ने हमको वोट दिया, अब हम MLA हो गए। जो भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, अनुशंसा की जरूरत होगा कौन करेगा? हम ही नरेंद्र कुमार उर्फ गोपाल मंडल ना। इसलिए कहीं किंतु परंतु हम लोग सीधे मुख्यमंत्री से बुरे दिन से जुड़े हुए हैं और जब तक उनका जिंदगी रहे उनके साथ जुड़े रहेंगे। कहीं कोई ऐसा मन परम पहला नहीं। कांग्रेस के विधायक खुदे टूटने के लिए और लोग टूटने के लिए तैयार, जेडी का लोग तो हम लोग खुदे तोड़ के लाए, हम टूटने वाले नहीं हैं। कभी हमारा दल के विधायक तोड़ ही नहीं सकते हैं। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये इतना कम उम्र के बच्चे को कैसे बिहार का बादशाह बना देगा? ये सारे पब्लिक और पुराने अंदाज में 15 साल पहले देखिए बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार सरकार ने 4 जनवरी से हाई स्कूल, प्लस टू और कॉलेजों को खोलने का आदेश जारी किया। इसी बीच सूबे के 2 जिलों से खबर आई है कि विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद उन शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद किया गया है। अब इसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षण कार्य में लगे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र छात्राओं के कोरोना जाँच को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आज इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर कोरोना जांच कराने का आग्रह किया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मुंगेर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र लिखकर यह सूचित किया है कि उनके यहाँ 2 स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों में कोरोना के संक्रमण पाया गया है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हाई स्कूल, प्लस टू व कोचिंग संस्थानों में रैंडम तरीके से कोरोना की जाँच कराई जाए। और अगली खबर गया से है। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र के केवलचक गांव में शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अवैध शराब के चल रहे कई भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया। गुरुआ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 50 लीटर देसी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स से पुलिस पूछताछ कर रही है। अवैध शराब के कारोबारियों के भी बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं मधेपुरा में CSP संचालक से हथियार के बल पर अपराधियों ने 2,97,000 रुपये लूट लिए। भराही ओपी के राजपुर NH 107 मुख्य मार्ग की घटना बताई जा रही है। CSP संचालक ACB बैंक से पैसे निकालकर अपने घर घुरगांव जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और बदमाशों की धरपकड़ और छापेमारी के लिए अभियान चला रही है। सर, हम CSP चलाते हैं घुरगांव में। हम अपना लिंक ब्रांच ADB मधेपुरा से 2,92,500 रुपया लेकर के घर जा रहे थे। घर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, 2 आदमी थे। राजपुर चौक से थोड़ा आगे गए कि पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया हमको और गिरा दिया। हम दोनों आदमी गिर गए।
हमारे साथ पैसा था, बैग था, हम निकल के भागे। फिर वो दोनों लड़का हमको पीछे से ऊपर से दाब दिया और पिस्टल या कोनो चीज था थ्री नोट टाइप का, उसी से हमको यहाँ पे पूरा मारा। यहाँ पे ब्लड गिरने लगा, जब हम बेहोश हो गए तो बैग लेकर के मेरा भाग गया। अगली खबर कैमूर से है। कैमूर डीएम और कैमूर एसपी अपने दल बल के साथ मोहनिया चेक पोस्ट पर पहुंच गए, जहां उनके पहुंचते ही हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने स्थिति का निरीक्षण किया। ओवरलोडिंग और शराब पकड़ने के लिए लगाए गए चेक नाका का निरीक्षण करने के बाद वह अधिकारियों को सख्ती लाने का निर्देश दिया। डीएम ने मीडिया को बातचीत करते हुए बताया कि ओवरलोडिंग की शिकायतें मिली थी। उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राज्य में लागू शराबबंदी कानून का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी उत्पाद विभाग को डीएम ने सख्त निर्देश दिए। तो ओवरलोडिंग की शिकायतें आती हैं, उसका प्रभावी तरीके से नियंत्रण लाया जा सके उसको लेकर इतने संबंधित पदाधिकारी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ एक्साइज का भी हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण चेक पोस्ट है। वहीं कैमूर जिले के 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कल से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। भभुआ पीएचसी में ड्राई रन के समय सिविल सर्जन और डीपीएम खुद मौजूद रहे। जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन शुरू हुआ उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भभुआ, चैनपुर और अनुमंडल अस्पताल मोहनिया भी शामिल है। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए प्रत्येक सेंटर पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों को चयनित किया गया है, जिन्हें टीका देने से लेकर अपलोड करने तक की जिम्मेवारी और आने वाली परेशानियों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण तिवारी ने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, इसके लिए 25 जो हमारे हेल्थ कर्मी है उसको चिन्हित किया गया है। उसके सारे प्रोसेस को हम लोग रिहर्सल ड्राई रन की तरह कार्य करेंगे। पहले सैनिटाइजेशन कराएंगे, उनके बाद उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर पर चेक होगा, फिर आके ऑनलाइन हमारा सिस्टम उसका चेक करेंगे, फिर सिस्टर के पास जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में डालेंगे, फिर वेटिंग आवर जो है 30 मिनट्स उसको वेट कराएंगे, उसके बाद उसको घर सारा प्रोसेस का हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। और ये वैक्सीन देने का एक मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, ताकि यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है किसी स्तर पर तो हम लोग उसका पूर्व आकलन करके और उसका समाधान निकाल सकें। और वहीं कैमूर जिले के 3 नियोजन इकाइयों में स्नातक ग्रेड में गलत तरीके से प्रमोशन पाए 93 शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त किया जाएगा। इन सभी शिक्षकों पर नियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रमोशन पाने का आरोप है। इन सभी 93 शिक्षकों से वेतन की भी वसूली की जाएगी। इसे लेकर डीपीओ स्थापना ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, सचिव नियोजन इकाई प्रखंड भभुआ और भगवानपुर के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी, सचिव नियोजन इकाई नगर परिषद भभुआ को भी पत्र जारी कर दिया है। नियोजन इकाई ने पुनरति दिया है और इस कार्यालय से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नियोजन चूंकि नियमानुकूल नहीं है, पुनरति नियमानुकूल नहीं है, अतः पुनरति को रद्द कर दिया जाए। पुनरति नियमानुकूल तभी होगा जब उसके लिए पद चिन्हित होगा और पुनरति की कमेटी जो है अनुशंसा देगी उसके ऊपर, लेकिन अभी प्रोन्नति कमेटी की अनुशंसा भी नहीं आई है और पद भी सैंक्शन नहीं हुआ है विभाग की तरफ से, अतः किसी भी तरह का प्रोन्नति उचित नहीं है। कितने शिक्षक का मामला है, कहाँ का मामला है? 3 नियोजन इकाइयों का मामला है, भगुआ प्रखंड, नगर परिषद भगुआ और प्रखंड भगवानपुर। 3 नियोजन इकाई के सचिव को यह निर्देश दिया गया है कि प्रोन्नति तत्काल प्रभाव से रद्द करें। कितने शिक्षकों का मामला है? करीब 93 शिक्षकों का मामला है 3 नियोजन इकाई मिला करके। और टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर से होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF न्यूज़। नमस्कार।